लगा दिए कॉल स्टार्ट पे। मैप्स मैंने चेक ही नहीं किया रूट अभी तक कि बेंगलोर कितना दूर है यहाँ से। 850 किलोमीटर, 15.5 घंटे। तो कॉल स्टार्ट पे लगाई है बाइक, गेट खुल चुका है, चेकआउट कर दिया है, दोनों पैनियस माउंट कर लिए हैं, बैग माउंट कर लिया है, टैंक बैग भी माउंट कर लिया है। हवा ठीक लग रही है, बस साफ नहीं की, गंदी पड़ी अभी तक बाइक, और चेन बहुत लूज़ है, तो कहीं रुक के एक बार चेन ठीक कराऊंगा। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, हो गया कॉल स्टार्ट भी। तो मैं हूँ अभी खराड़ी में, यहाँ से मेरा घर दिखा रहा है बेंगलोर में 852 किलोमीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन, टुडे इज़ day 3। मैं हूँ पुणे में और जा रहा हूँ बेंगलोर। तो वेलकम टू अनदर वीडियो, दिस संदीप यादव आर यू वॉचिंग सैन फ्रांसिस्को। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ स्टार्ट हुआ आज का व्लॉग। पूरा पूरे सिटी क्रॉस करके जाऊंगा बॉम्बे बेंगलोर वाले हाईवे पे, हाईवे को टच करते राइट जाएगा मुंबई और लेफ्ट जाएगा बेंगलोर। तो देखते हैं 850 किलोमीटर 15 घंटे में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 6:30 के बाद 15 घंटे कितना होते हैं, 9:30, मतलब रात के 9:30 बजे तक का टारगेट है मैप्स के हिसाब से। ओके लेट्स सी, उससे पहले हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एरिया कितना बदल गया यार, इसके अंदर है मेरा स्कूल और ये लेफ्ट साइड में था चंदनगर। और पेट्रोल मैंने फुल टैंक करा लिया था कल शाम को ही। कल तक के जो किलोमीटर्स है वो हुए 1647 किलोमीटर्स। जितना जल्दी हो सके सिटी से बाहर निकल जाना चाहिए। 6 बजे तक तो नाइट कर्फ्यू था इसलिए मैं 6 बजे के बाद ही निकलने की सोच रहा था, लेकिन इतना लेट हो गया, 6:40 पे तो मैं निकला हूँ रूम से और अभी 7 बज गया है। ओ यहाँ भी मेट्रो का ब्रिज बन गया, सही। और ये देखो क्या सनराइज दिखाया है, परफेक्ट लोकेशन फॉर सनराइज। नाले के ऊपर, नाला है कि नदी है पता नहीं, लेकिन मस्त है सनराइज। फिर से आएगा इस तरफ हो रहा, ऐसा व्यू कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, कितना प्यारा सनराइज दिख रहा है यार, कितना प्यारा। एकदम नदी के साथ साथ है ये रास्ता, नाला है नदी है जो भी है उसके साथ साथ है ये रास्ता। और कितना खूबसूरत बना रखा है देखो, अरे सनराइज साथ साथ क्यों आ रहा है। अभी 7:22 हो गया, यहाँ से लेफ्ट लूंगा टुवर्ड्स बैंगलोर। सतारा 104 किलोमीटर पहला टारगेट। वाह, पूरे शहर के ऊपर से जाते हुए ये नेशनल हाईवे 48, पूरे से निकलते घाट टाइप की सीनरी, मस्त यार, सही भी आ रहा है यहाँ से बैंगलोर 8:30। ये देखो वो, मैं तो रुका हूँ फोटो लेने के लिए, इतना तगड़ा नज़ारा है यहाँ पे। और उसके बाद मैं लगा दूंगा गोप्रो की बैटरी चार्ज, निकाल लूँगा ग्लव्स क्योंकि सिटी ख़त्म हो चुकी है, हाईवे स्टार्ट हो चुका है। तो भाई लोग ये है बोट का चार्जर जो मैंने अमेज़न से मंगवाया था, 2 चार्ज कर सकते हो एक साथ, 2 MPS तक सपोर्ट करता है। एक स्मार्ट चार्जर है जो फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। ये है गोप्रो की बैटरी, इसको चार्ज पे लगा के यहाँ रख देता हूँ और ये जाएगा फ़ोन में। जितने कम ब्रेक्स हो सकते हैं आज उतने कम लूँगा और देखता हूँ जितनी जल्दी घर पहुँचा उतना सही है। ऑब्वियसली रास्ते में ऐसा कुछ सीनरी आएगा तो रुकूंगा बार बार, क्योंकि इसी के लिए तो निकला था मैं घर से। चलते हैं भैया, खतरनाक सीनरी, क्या मस्त पहाड़ है यार। ऐसे पहाड़ों के बीच में जब रास्ते निकलते हैं ना तो एक अलग ही फील आता है। न्यू कतरज टनल, और कितनी लंबी टनल है ये, पहाड़ों के अंदर से जा रहा हूं मैं। अरे वाह, टनल में भी आर पार कर दिया उस तरफ के लिए यार, बहुत लंबी टनल बनाई भाई। अभी सनराइज हो रहा था, एकदम से रात होगी लग रहा है।
और ये टनल ख़त्म होने का भाई, और देखते हैं टनल से बाहर निकलते हैं, नज़ारा सुना है बहुत अच्छा होता है, अभी पता चल जाएगा अच्छा है कि नहीं है। ओके नाइस व्यू, मेरे को खाई वाई मिलेगी लेकिन अच्छा है। सतारा भी एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं वहाँ पे, घाट्स टाइप है उसमें, 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वही है। अगर ऐसे स्पीड मेंटेन रही ना पूरे हाईवे पे तो भाई शाम तक ही हो जाएगा बेंगलोर। और ये हम फाइनली लद्दाख पहुंच चुके हैं, अभी आएगा थोड़ा सा घाट सेक्शन, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ वन वे है, घाट में सेफ्टी के लिए ये होना ही चाहिए यार। मैन पूरा स्ट्रेट हाईवे रहता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ऐसे घाट वाट बीच में आते रहना चाहिए, लेकिन इससे ना टाइम बहुत वेस्ट होता है यार, मतलब एवरेज स्पीड गिर जाती है, लेकिन देखने में मज़ा आता है और चलाने में मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ के घाट्स एकदम बंजर टाइप है, हरियाली नहीं है ऑब्वियसली, मतलब हिल स्टेशन तो है नहीं। धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है, देखो देखो व्हाट अ वे। और ये पहाड़ को क्रॉस कर दिया हमने, उधर से चढ़ाई करी थी, अभी इधर से उतराई करेंगे, और कॉर्नरिंग एबीएस का भरपूर उपयोग करते हुए। सतारा जस्ट गया अभी पीछे, और किलोमीटर्स हो गए हैं 1650 पे चला था, 1780 हो गया, 130 किलोमीटर्स हो गया ना, 130 किलोमीटर्स हो गया 1.5 घंटे में इंक्लूडिंग द सिटी ट्रैफिक जो पुणे को क्रॉस कर रहा था मैं। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है वो है कोल्हापुर 113 किलोमीटर पे, उसके बाद बेलगाम रहेगा नेक्स्ट टारगेट, यहाँ से 200 किलोमीटर है, मतलब हर 100 किलोमीटर वाला टारगेट ले रहा हूँ मैं। तो पुणे से 100 किलोमीटर सतारा, सतारा से 100 किलोमीटर कोल्हापुर, कोल्हापुर से 100 किलोमीटर बेलगाम। कौन सी बाइक है वो? थंडरबर्ड है, तगड़ा मॉडिफाई करा रखा है यार थंडरबर्ड को, लग रही कोई हार्ली टाइप की बाइक। भाई लोग पूरा हो गया 1850 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हो गया पूरा, और 200 किलोमीटर कितने देर में? 2.25 घंटे में। अभी मैं खाता हूँ खाना, बहुत तेज भूख लगी है, एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, इसका नाम है राजस्थान ढाबा। पूरी सब्जी ऑर्डर की है, देखते हैं आती है, खाता हूँ हर रोज़ पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, या फिर ऐसे कुछ ले रहा था मैं गोभी पराठा वगैरह, आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग करते हैं। तो ये है भाई लोग जगह का नाम राजस्थान ढाबा, सही है, बाहर बैठने का है, अंदर बैठने का है, उसके पीछे बैठने का है, और इतना बड़ा एरिया है, सामने साइड में पेट्रोल पंप है और रिफ़िल कराना सारा सारा ब्रेक एक साथ हो सकता है। यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अभी, मौसम अभी तक तो साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि अभी सुबह तो 9:30 ही हुआ है, सुबह अभी तो 10 बज गए होगा शायद, टाइम क्या हुआ, हाँ 9:54 हो गया अभी, रिसेंटर 642 किलोमीटर्स बचा है, और इसके लिए 11.5 घंटे दिखा रहा है अभी यहाँ से, और टोटल अभी तक का ट्रिप टाइम हुआ है 25 घंटे, 25 घंटे में 1850 किलोमीटर बाइक जितनी देर चली है। बाइक की नॉर्मल चेक्स मैंने कर लिए, सब ठीक लग रहा है, एक यार चेन बार बार लूज हो जाती है, तो मैं डलवा लेता पेट्रोल भी, रिफ़िल करना ही है, अभी करूँ बाद में करूँ, अभी ब्रेक लिया है तो अभी करवा लेता हूँ। फुल टैंक
भाई लोग 40 मिनट्स का ब्रेक हो गया मेरा, अब हो गया 10 o'clock 7 मिनट्स। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और बाइक में पेट्रोल भी भर गया। अभी होपफुली अगले 200 किलोमीटर तक कोई स्टॉप नहीं। अभी नेक्स्ट 200 किलोमीटर भी मार देता हूँ मैं अगले 2-2.5 घंटे में। जो कितना दूर तक स्ट्रेट हाईवे दिख रहा है, सुपर बचे, क्या व्यू है यार यहाँ से। और एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं यार, वैसी गाड़ी लेके सोचो पीछे सारा सामान डालो, खाने पीने का बिस्तर वगैरह, और निकल लो, कैंप वैम्प करो रास्ते में जहाँ भी रुको। और ये बीच में जो पिंक फ्लावर्स है ना, इनसे तो एक अलग ही लुक आ रही है। तो ये ऐसी क्रूजिंग स्पीड एकदम आराम से चिल करके चलती है। टाइम हो गया 11:15 और 7 बजे निकला था, लगभग 4.25 घंटे लगा लो। 4.25 घंटे में 300 किलोमीटर कर लिया मैंने। अभी हो गया 1950 किलोमीटर्स और निकला था मैं 1650 पे। अनदर 550 किलोमीटर्स फॉर बैंगलोर, मतलब उस रूट से अगर होता तो समझ लो हैदराबाद पहुंच गया मैं। ओह, दूर दूर तक खुला आसमान, होराइजन, ये हाईवे, भगाते रहो भगाते रहो। ये चार घंटे में 300 किलोमीटर हो गया और 550 किलोमीटर बचा हुआ। आप लोग गेस करो कितनी देर में हो जाएगा, मैं कब तक घर पहुंचूंगा। जब मैं निकला था तो एस्टिमेटेड टाइम था 15 आवर्स, अभी भी 10 घंटे दिखा रहा है, 9 hours 50 मिनट 550 किलोमीटर। ये देखो ऐसे करते हैं ट्रक, बिना देखे मुड़ जाएंगे, बाद में फिर वापस चले जाएंगे। एक और राइडर, विच बाइक इज दिस, ये है बेलगाम सिटी, बेलगावी, और यहाँ से बचा है 506 किलोमीटर बैंगलोर। इसको चलाने में इतना मज़ा आता है, ब्रेक लेने का मन ही नहीं करता। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना बैंगलोर में, जिसमें पढ़ा था मैं, VTU थी, विश्वेश्वरय्या टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वो यहीं की है, इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है बेलगाम में। 12:10 हो गया और किलोमीटर 2050 इस ट्रिप का, और बाइक का टोटल किलोमीटर 8,342 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 1650 से स्टार्ट किया था तो 20, 50, 20, 50 कितना हो गया, 400 किलोमीटर, 7 से 12, 5 घंटे में 400 किलोमीटर। अभी तक तो बहुत सही चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एकदम बढ़िया है। अभी तक सिर्फ एक ही ब्रेक लिया है मैंने, ब्रेकफास्ट और फ्यूल वाला, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया। तुमकुर 362, दावणगेरे बचा है, हुबली आएगा 26 किलोमीटर में और दावणगेरे आएगा 169 किलोमीटर में। हम इसी प्रकार चलते रहेंगे, हमें कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे हम नहीं रुकेंगे। और टोल रोड ख़त्म हो गया, अच्छा ये टोल रोड था वैसे हो सकता है। हुबली से कौन कौन है जल्दी से लाइक बटन दबा दो, तुम्हारे घर के सामने से निकल रहा हूँ मैं। ये ऐसा रोड स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ा रिस्की लगता है ये वाला रोड, और स्पीड गिर जाती है इसमें काफ़ी हद तक, मतलब 100 मीटर नहीं हो पाती। थैंक यू। अच्छा वो शहर से आ रहा है, वैसे हमारा नॉर्मल हाईवे तो यही है, यहाँ से वापस सेपरेट हो गया, जाने का अलग आने का अलग। सर्विस कराने की वार्निंग आ गई है, मैं तो नहीं कराऊंगा अभी, मैं तो पहले घर पहुँचूँगा। 391 किलोमीटर बचा है, वो कर लेता हूँ फिर दे देंगे सर्विस के लिए, है ना। अभी भी बाइक ने कर लिया 8,500 किलोमीटर, इसीलिए सर्विस का वार्निंग आ रहा है। नारियल पानी पीते हैं भैया, कैसे अंकल? 30 दे दो एक अच्छा सा, मलाई के साथ देना। ओह 2150 एग्जैक्टली, वाह 500 किलोमीटर कर लिया। एक मिनट, हेलमेट निकाल। बहुत खाली खाली एरिया है ना ये पूरा सिटी दूर है ना यहाँ से। अच्छा वहाँ है सिटी, पूरा बंजर सा एरिया एकदम खाली खाली दूर दूर तक। चलेगा बेंगलोर? नहीं चलेगा बाय। ऐसे
ऐसे नेचुरल फ्रूट खाने में कितना मज़ा आता है ना। देखो यार कितना बंजर एरिया है ये, पूरा खाली पड़ा है। इधर कौन सी खेती है, कपास है तो कॉटन वो भी ख़त्म हो गया। अभी क्या डेट है, 14 मार्च है ना। हाँ हमारे गांव में सरसों काट रहे हैं अभी और गेहूं कट जाएंगे इस मंथ एंड तक। ये तो राजस्थान से भी गया गुजरा लग रहा है यार ये एरिया। राजस्थान में एटलीस्ट इतना तो नहीं था खाली खाली बंजारापन। 500 किलोमीटर कर लिया मैंने पूरा और टाइम हो गया 140। यार गर्मी तो है भाई, गजब की गर्मी है यहाँ पे। ऐसे बाइक पे बैठे रहो, चलते रहो आराम से, यही सही है। बस अब मैं सो जाता हूँ, ये हैंडल कर ही लेगी है ना, चलेगी ना। बेंगलोर का रास्ता पता है? हाँ हाँ बोल रही है। चलो सो जाते हैं अपन, बाय, गुड नाइट। गावन के रहे यहाँ से 22 किलोमीटर है, खूबसूरत नज़ारा। और नारियल के पेड़ से पता चल रहा है कि मैं साउथ में आ चुका हूँ। 2225 किलोमीटर हो गया इस ट्रिप का, और जब मैं बेंगलोर से दिल्ली गया था तो 2143 किलोमीटर में मैं घर पहुँच गया था। ये वाला थोड़ा सा लंबा तो पड़ा लेकिन मस्त है। टाइम बज गया 2:30। अभी मैं सोच रहा हूँ लंच कर लूँ कहीं पे, पेट्रोल लेते हैं। फुल तो 200 किलोमीटर और बचा है, टाइम हो गया 3:15। अभी लंच करता हूँ। दिस इज हाउ द बाइक इज लुकिंग, परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो गया है 4:05 हो गया है। ट्रिप टू हो गया है 2300 किलोमीटर पूरा। अरे वाह, मतलब 650 किलोमीटर कवर कर दिया। अभी 200 बचा है, 4 बज गया है। और ये था जगह का नाम ओजस होटल एंड लॉजिंग, इसका रेस्टोरेंट है नीचे। तो यहीं पे मैंने खा पी लिया और यहाँ राइट में पेट्रोल भरवाया था, फुल पैक दोनों का, बाइक का भी मेरा भी। चलिए फिर से शुरू करते हैं रॉक फोर्ट। मैं हूँ चित्रदुर्गा में और क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह, पानी, पहाड़, हाईवे और नारियल के पेड़ और साथ में विंडमिल भी आज तो। ओहो दिख रहा है यहाँ से, 2400 किलोमीटर हो गया। 4:10 पे मैं उधर से निकला था खाना खाने के बाद, उस टाइम पे 2300 किलोमीटर थे। अभी 2400 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर मतलब। और टाइम अभी 5:01, 45 मिनट्स में 100 किलोमीटर। क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में चल रही है गाड़ी। बाइक ऐसे चीख चीख के बोल रही, मेरी सर्विस करा दो, मेरी सर्विस करा दो। कराएंगे बेटा, आराम से कराएंगे, बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है। 100 किलोमीटर बचा है घर, मतलब अगर यही मोमेंटम चलता रहा तो 6 बजे तक घर। भाई लोग आज बाइक की बहुत ज़बरदस्त टेस्टिंग हो गई है, कंटिन्यूसली पूरा दिन लगभग 130-140 के ऊपर चली है। कोई हीटिंग इशू नहीं है इंजन में। इंजन का ये वाला पार्ट ना, ये दिखाता है इंजन कितना हीट हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली उतना ही है, मतलब वो नॉर्मल है। कूलिंग सिस्टम बहुत सही है इसका।
और मैं बिना ब्रेक्स के चलाया जा रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। जैसे गर्म होती है ना गाड़ी तो और स्मूथ भागती है। और ये आ गया है तुमकुर, ये है तुमकुर का मेन चौक। हम माइडाला लेक आए थे ना इसके पीछे, तो यहाँ से 70 किलोमीटर है मेरे घर। और अभी देखो 70 किलोमीटर के लिए भी 2 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स, क्योंकि ट्रैफिक। भीलवाड़ा से आया ये ट्रक, वाह, आया था ना रास्ते में अपना राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास। ओ राजस्थान, देखो नंबर भी तो है RJ राजस्थान। KTM 390 एडवेंचर फाइनली सेम बाइक दिख ही गई। पीछे से तो बड़ी लगती है यार बहुत। और उसमें पैनियर्स नहीं थे, उसमें थे सैडल बैग्स, और वो सेटअप भी सही लगता है मुझे, लेकिन पैनियर्स ज़्यादा बेटर लगता है। 20 किलोमीटर है मेरे घर यहाँ से, नई सिंह रोड पीछे चला गया है, और ये यशवंतपुर आ गया। तो मतलब बैंगलोर में पहुँच चुका हूँ, और टाइम हुआ एग्जैक्टली 6 o'clock, वाओ। और सुबह 7 बजे चला था मैं, 11 घंटे लग गए मेरे को, मतलब पुणे से बैंगलोर। ETA जो दिखा रहा था गूगल मैप्स वो था 15 घंटे का विदाउट ब्रेक्स, मैंने ब्रेक लेके और सब कुछ इंक्लूड करके 11 घंटे लगे मेरे को। पुणे टू बैंगलोर 11 hours। ओहो, वापस अपने घर के पास आते हुए कैसा लग रहा है मुझे, पूछो मुझसे, कितना सही लग रहा है यार बैंगलोर वापस आके 4 महीने बाद। ओए नम्मा मेट्रो ग्रीन कलर में, अभी भी 4 महीने में एक पेंट तो कर सकते थे यार कुछ अच्छा। ये आ गया अपना हेबाला, और जाम देख रहे हो। भाई साहब फ्लाईओवर बना दिया इधर, ये वाला होटल भी रेडी हो गया, और यहाँ पे ये ब्रिज भी बना दिया, क्या बात है यार। तो 11 साढ़े 11 घंटे लगे हैं पुणे से बेंगलोर, 850 किलोमीटर्स। पहचाना नहीं पहचाना, भूल भाल तो नहीं गए। ये फाइनली घर पे पहुंच गए, 3 जमुरे मेरा वेट कर रहे हैं। ओहो, अरे आप लोग को गांव छोड़ के आया था, आप लोग यहाँ पे आ गए। वहाँ पे ड्रॉप किया था, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, बताओ। चलो लगा तो भाई। ए डूड, यहाँ तक देख लिया तो हिट द लाइक बटन, नए लोग सब्सक्राइब करके जाना। घर पहुँच गया मैं, कितना बदल गया लग रहा है। हाय, 3 दिन बाद 4 महीने बाद वापस ये सेम सीन देख रहा हूँ मैं। ओहो, 850 किलोमीटर्स 11 hours, मज़ा आ गया यार। सी द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। नहीं वो तो ले लेंगे बाद में, रात को निकाल लेंगे। कैसे हुए आप सब? ठीक, बस मस्त भाई, मस्त एकदम। क्या चिकना हाईवे है यार ये वाला। फाइनली ये पूरा कर देते हैं, ये मैं ट्रांजिशन में लगा के गया था। BDP सीरीज का फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि ये बाइक राइड फ्रॉम बैंगलोर दिल्ली बैंगलोर ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ट्रांजिशन को हटा के यहाँ अकम्प्लिश में लगा देता हूँ। इधर से और क्या क्या कम्प्लीट हो गया, ऋषिकेश हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अभी इतना सारा और बचा है।